मध्य प्रदेश में 143 वार्डों में कांग्रेस की शानदार जीत, भाजपा का हुआ सूपड़ा साफ। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों की मतगणना पूरी कर ली गई है। बीजेपी ने 10 नगरीय निकायों में जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 7 निकायों में जीत हासिल की। 2 नगरीय निकायों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नगरीय निकाय के 343 वार्डों में से भाजपा ने 183 वार्डों पर 143 वार्डों में कांग्रेस ने जीत हासिल की। राघोगढ़ विजयपुर नगर पालिका परिषद के चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए थे। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आने वाली इस सीट पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की। हालांकि भाजपा ने 8 सीटें जीतकर अच्छा संघर्ष किया। अनूपपुर जिले में नगर परिषद जेथरी और बड़वानी जिले के पलसूत नगर परिषद में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जेथरी में 15 में से 7 सीटें जीतकर भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां कांग्रेस ने 6 और अन्य ने 2 सीटें जीती। इसी तरह पलसूत नगर परिषद में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती, जबकि भाजपा और अन्य के खाते में 4-4 सीटें गई हैं। मध्य प्रदेश के 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद में हुए चुनावों की मतगणना जारी है। ओंकारेश्वर के 15 वार्डों में से भाजपा ने 9 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते हैं, तो वहीं बड़वानी में भी भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। यहां 24 वार्ड में से 14 पर भाजपा और 10 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। बता दें कि 19 नगरीय निकायों में 20 जनवरी को वोट डाले गए थे। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू की गई थी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।